ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ईआरपी9 की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। और वो क्या रहने वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज का टॉपिक आपका ओवर टाइम है और आपको टेली डॉट ईआरपी नाइन के अंदर पे हेड्स क्रिएट करना सीखना है। और पे हेड्स के टॉपिक्स अपने चल रहे हैं, जो पेरोल का टॉपिक है, पेरोल की ये जो क्लास है इसमें हम लोग ओवर टाइम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से पे हेड ओवर टाइम बनाया जाता है। ओवर टाइम में जो एम्प्लॉय होता है, अगर उसके पेड टाइप की बात करें तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के लिए वो अर्निंग होता है। और उसकी इनकम की बात करें तो फिक्स्ड होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो जाता है। यहाँ पे जिस तरीके की ये सारी चीज़ें डिटेल्स देख रहे हो, ये किस तरीके से बनाई गई है, ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपको 365 दिन में 365 वीडियो मिल सके। आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में जो टेली डॉट ई आर पी नाइन है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें और टेली चालू हो जाएगा। टेली आपके कंप्यूटर में चालू होने के बाद, यदि फर्स्ट टाइम ये वीडियो कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो ये वाले टॉपिक प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, तो आपको ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जाना है। वहाँ पे टेली डॉट ई आर पी नाइन की प्ले लिस्ट की पहली 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देख लेनी है। उसमें कंपनी बनाना, सर्ट सेलेक्ट करना आपको समझाया गया है। जब आप कंपनी बना लेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी कंपनी का नाम नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आपकी कंपनी आ जाएगी, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। और गेटवे ऑफ टेली में पेरोल करने के लिए सबसे पहले आपको पेरोल को एक्टिवेट करना है। जो मैंने पेरोल की फर्स्ट वीडियो है जो उस पर मैंने एक्टिवेशन दिखा रखा है, वो आप पहले समझे, उसके बाद यहाँ पे पेरोल इन्फो आएगा। इसको उस वीडियो को चालू करने के उसको करने के बाद आपका पेरोल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको ये क्लास करने के लिए सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाना है, उसके बाद में पेहेड्स पे जाना होता है। पेहेड्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, मैं आपको पेहेड यहाँ पे ओवर टाइम का क्रिएट करना, डिस्प्ले, अल्टर, ये तीनों चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज ओपन होगा पेहेड्स का। यहाँ पे सबसे पहले नेम में देना है, नेम में उसका नाम देना है जो हम लोग बनाना चाहते हैं पेहेड। तो यहाँ है ओवर टाइम, ओवर टाइम का मुझे पे हेड्स बनाना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया। इसके बाद में मैं आऊँगा यहाँ पे हेड इन्फॉर्मेशन। अब ओवर टाइम होता है उसका टाइप क्या रहेगा पे हेड का, वो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है वो, इसलिए हम लोग इस लिस्ट में से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे। दूसरा पूछा जाएगा इनकम टाइप क्या है, फिक्स्ड है या वेरिएबल। तो ये जो ओवर टाइम होता है वो फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड लेंगे। देन अंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसलिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हम लोगों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आता है इफेक्ट नेट सैलरी। नेट सैलरी जो बन के तैयार होगी उसमें इसका क्या रोल रहेगा, वो इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, इसलिए इसको यस करेंगे। देन इसके बाद आता है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। पे स्लिप के अंदर इसका नाम क्या रखना चाहते हो, हम लोग ओवर टाइम रखते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ओवर टाइम ही आएगा। इसके बाद आता है यूज फॉर कैलकुलेशन और ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी का ये पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको नो रखेंगे। इसके बाद में आता है सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स को हमें कॉन्फिगर करना है, इसलिए वाई प्रेस करके एंटर करेंगे, ये यस हो जाएगा। जैसे यस होगा तो इनकम टैक्स की डिटेल्स का यहाँ पे एक लिस्ट खुलेगी, जिसमें से आपको इनकम टैक्स का कंपोनेंट बताना होगा। और इनकम टैक्स जो कंपोनेंट होगा इसके लिए ओवर टाइम के लिए, वो पहले से जो सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट यही आएगा, अदर अर्निंग्स या अलाउंसेज फुल टैक्सेबल, इसी को लेना है आपको, एंटर करना है। देन नेक्स्ट पूछा जाएगा कि टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा उसका बेसिस क्या होगा, उसमें आपको रखना होगा ऑन एक्चुअल, यहाँ पे आपको करना होता है ऑन एक्चुअल वैल्यू। टैक्स कैलकुलेशन में आपको करना है ऑन एक्चुअल वैल्यू, एंटर प्रेस करेंगे। उससे आगे नेक्स्ट पूछा जाएगा डिटेक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड्स। यहाँ पे टीडीएस को डिटेक्ट करना है या नहीं, तो यहाँ पे हमें टीडीएस डिटेक्ट नहीं करना है, इसलिए नो करना है। देन नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी। ये जो ओवर टाइम होता है वो ईएसआई के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, नहीं है इस, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड लिखा हुआ है। एक्सक्लूड का मतलब है ईएसआई के एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे वाई प्रेस करके यस करेंगे, अर्थात एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी ईएसआई में से हट जाएगा ओवर टाइम। देन कैलकुलेशन टाइप की यदि मैं बात करूँ, कैलकुलेशन टाइप जो होता है कि ओवर टाइम का कैलकुलेशन किस टाइप से होगा, ये आपका होता है ऑन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के अनुसार होता है, जैसे आप प्रोडक्शन करते हो उस अनुसार ओवर टाइम का वर्क हो आपका कैलकुलेट होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन का टाइप क्या है। प्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो होता है ओवर टाइम।
ओवर टाइम यहाँ पे बना हुआ नहीं है, इसलिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ पे आपको नेम के अंदर डालना है ओवर टाइम। क्या डालना है? ओवर टाइम। यहाँ पे आपसे ये जो प्रोडक्शन है उसके लिए ओवर टाइम क्रिएट करवाएगा ऑल्ट सी करने से। एंटर करेंगे, अलाइस नेम नहीं देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्राइमरी मेंटर करना है और अटेंडेंस टाइप में अपना प्रोडक्शन आ जाएगा और इसमें आपको जो यूनिट पूछी जाएगी उसमें एचआरएस लेना है और इसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे आपको जैसे ही प्रोडक्शन टाइप में ओवर टाइम ले लेते हो तो नेक्स्ट में आपसे पूछेगा कि राउंडिंग मेथड क्या है। राउंडिंग मेथड हमें सभी पेयर्स में नॉर्मल राउंडिंग लेना है, देन लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 1 देना है, एंटर करना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हो, आपको इस वीडियो या क्लास को स्टॉप करके भी देख सकते हो। ये सारे डिटेल्स आपको इस तरीके से डालनी है और आपका ओवर टाइम का पेहेड क्रिएट हो जाएगा। इसको यस करेंगे, यस करने के बाद में पेहेड क्रिएट हो जाएगा। एस्केप की से बैक आना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आप देखोगे तो यहाँ पे ओवर टाइम दिखाई देगा, एंटर करोगे तो ओवर टाइम की सारी डिटेल दिखाई देंगी। बस एक जो सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल है वो नो दिखाई देगा, जबकि क्या है कि ये जो जहाँ पे भी सेट और अल्टर ऑप्शन लिखा होगा चाहे वो कोई भी टॉपिक हो उसमें यस करने के बाद भी वो नो शो करता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार यस कर देना है, उसके बाद में बैक आना है। यदि आप इस ओवर टाइम को एडिट करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपको अल्टर में जाना है और अल्टर में जाके ओवर टाइम में जो भी कोई गलती हुई है उसको आप कर सकते हो यस और नो, जो भी इसमें चेंजेस करने हैं। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल में जैसे ये नो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे वाई प्रेस करके एंटर करके देखें तो आपको वो सारी डिटेल्स यस मिलेंगी जो हमने अभी की थी। अदर अर्निंग एम्प्लॉयज से फुली टैक्सेबल देन ऑन एक्चुअल वैल्यू और नो, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो हम लोग नहीं करना चाहते तो एस्केप की से बैक आ जाएं। यदि हम ओवर टाइम या किसी भी पेहेड को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें, एक मैसेज आएगा डिलीट के लिए, यस एंड नो, यस करते हैं ये पेहेड डिलीट हो जाएगा, मुझे डिलीट नहीं करना इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने पेहेड ओवर टाइम का पेहेड क्रिएट करना सीखा, डिस्प्ले करना सीखा, अल्टर यानी बदलाव करना सीखा एंड उसको डिलीट करना भी सीखा। आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेहेड में आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप नेक्स्ट पेहेड सीखने वाले हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।